मेरे सोने रब्बा, मेरा तो इस दुनिया से सहारा कोई नहीं। मेरे माँ बाप नू तो तू अपने कोल बुला ले, इस कैनात दे विच मेरा भी कोई सहारा बना दे कि जिससे मैं आपदी दुनिया बसर कर सका, दुनिया बसर कर सका। सहारा बना दे ऐ रब्बा मेरा सहारा। बेटा तेरा इस दुनिया से कोई सहारा नहीं, क्यों रो रहे हैं? मेरा पुत्रा क्यों रोना है? तेरा इस दुनिया से कोई सहारा नहीं, जिन्हें कोई सहारा नहीं होता उन्हें अल्लाह रब सहारा होता है। मेरा पुत्रा चुप कर, इस दुनिया अगर तेरा कोई नहीं तो अल्लाह तो बाद अल्लाह के बंदे उन मखलूक अल्लाह ने छड़ी है। तू मेरा पुत्र है, मैं तुम्हें अपने घर लेके चले आऊँ। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कितने चले गए ने, बहुत ज्यादा देर हो गई। गौर करके देखिए, मियां जी दी तो कोई खबर ही नहीं आ रही, पता नहीं कितने चले गए। गौर रिसीव नहीं कर रहे, उन्होंने एक दफा काला आन दो ना, उन्होंने वीडियो भी सेट कर लेनी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है ना। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम जी। मियां जी कितू आ रहे हो? बेगम साहबा आज बड़े खुश मिजाज मूड बैठे हो। जी मियां जी जी, वो तो तुसी आज मैंनू क्या नहीं, तुसी अपनी सुनाओ, तुसी इतनी देर दे कितने गए सो? बस बेगम साहब ऑफिस बंद किया है तो प्रादी याद आई, मैं क्या प्रादी कब्र पे फाते कर पड़ दे। आजकल मियां जी ज्यादा नहीं कब्र पे जाना शुरू करता है, खैरियत होए? बस जी प्रादी याद आई सी कि मैं क्या प्रादी कब्र पे जाना चाहिए है, उते फाते खानी पड़ी ते बच्चे रोन दी आवाज आई, तो मैं बच्चे रोन दी आवाज आई तो मैं जाके बच्चे को पूछे कि बच्चा तू क्यों रो रहे है? सही। बच्चे ने कहा कि मैं बेसहारा, मैं उस बच्चे को अपने घर लेके आ गया। आज फिर मियां जी कोई नया चांद चढ़ाया आए हो? बस वही जितनी मच्छा सी बेआसरा सी, अल्लाह और साडे सवाल का कोई सहारा नहीं सी। मियां जी इस गल तो बाज आ जाओ तो बेहतर है तुम्हारे लिए, ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਬੇਟੋ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਖੌਫ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਚੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਚ ਤੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਮੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਡੇਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, तहमल नाल सुनो, रोज डेली दा चाला नहीं अच्छा है, तुसी रोज आए दिन किसी ना किसी चुक के लै आंदे हो। बच्चा थोड़ा एहसास करोगे ते रब भी साडे ते एहसास करेगा। मियां जी रब सब ते करदे ने, इंसानियत है, मैं नहीं कह रही नहीं है, है इंसानियत, लेकिन मियां जी जबरदस्ती तुसी मेरे ते जोर ना अंडर प्रेशर ना करो, जोर ना पाओ। लेकिन मैं तुहानू एक गल कह रही हां, तुहाडी मेहरबानी, दो दिन मैं तुहानू दे रही हां, दो दिन बाद इहदा इंतजाम कर लेना।
ठीक है बेगम साहबा, थोड़ी मेहरबानी। अरे बेगम साहबा, मैं बच्चे को नाल ही लेके आया। जाओ मियां जी, थोड़ी बहुत मेहरबानी, मेरी की थोड़ी मेहरबानी, जाके बच्चे नु घर दा तौर तरीका समझा देना। जरा रहन सहन उन्होंने बच्चे नु दस दो, ते फार्म हाउस च जेड़ा कमरा पिछला है उन्होंने दे छोड़ो बच्चे नु। सिर्फ दो दिन दी तुहानू मैं मोहलत दित्ती है, ते जाओ इजी होवो तुसी भी ते मैनू भी इजी होन दो। ठीक है मियां जी, उन्होंने लै आओ, लेकिन उन्होंने अपने घर का तौर तरीका समझा देना, ते उन्होंने पिछले कमरे च जगह दे छोड़ो, सिर्फ दो दिन की मोहलत दे दो। बेगम साहबा, बच्चा आ गया, बेटा अंदर लग जाओ। बेटा अच्छे ना बैठो, ऊपर बैठो। मिया जी इन्हां नूं लै के जाओ। मिया जी बच्चा लै आयो, ठीक है, लेकिन बच्चे नूं घर च रहन सहन दा तौर तरीका समझा देना, ते बच्चे नूं पिछले रूम च जाके छड़ दो, ते तुसी भी इजी हो ते मैनूं रिलैक्स होन दो। मेहरबानी थोड़ी, जाओ मेहरबानी। बेगम साहबा, खाना तैयार है? जी जी, खाना तक कदों तो लगा छड़े है तुहाडे लई, मैं वेट कर रही हूं तुहाडा ही। ते बच्चे दा की बनाया, मैं बच्चे दा भी तुहाडे को पूछना सी। बेगम साहब खाना दिखाओ, तुम बच्चे दे बारे का सीधा दस देने है। अलग बना के लेज छ, बच्चे दी अजकल बहुती फिक्र होनी शुरू हो गई है। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਤੀ? ਮੀਆਂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਓ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। बेटा गल सुन मेरी, खाना खान तो बाद तेरी बहुत मेहरबानी, मेरे मियां दे आन तो पहले करो बाहर निकल जाए। पर मेम साहब मेरा कसूर की है? तोड़े साहब मेरे दो दिन दा कह के लेके आए सन, ते सब तो पहले तुसी मेनू ए दसो कि जुत्ती कपड़ा तुहानू किने लेके दित्ता है? साहब जी ने लेके दित्ता सी। बस तोड़ी मेहरबानी, मेरे मियां दे आन तो पहले करो बाहर चला जाए। अबू जी की हाल है? की हाल है बेटा जी? ठीक हो? तुम सुनाओ। शुक्र है अल्लाह का, और तबीयत ठीक? बेटा हमारा गद्दी छड़ दे ते साडे जिउदिया जिउदिया पढ़ लिख ले, अगर असी दुनिया तो टुर गए ते फिर दर बदर दे धक्के खाएगा। अब्बा जी मैनू ये गल्लां ते दुनियावी गल्लां ते मैनू ते यकीन नहीं है। क्यों नहीं बेटा तेनू यकीन? अल्लाह जाने बच्चा किथे चला गया। वाह बेगम साहबा वाह, बच्चा दो दिन चार दिन घर रह गया ते केड़ा को पहाड़ टूट गया सी, टूट गया सी। डर बेगम खुदा दे उस कहर को नू जेड़ा जिंदी लाठी बेपरवाह है, अल्लाह ना करे कल साडे बच्चे दे अगे भी आ जावे। मिया जी जो मेरा दिल कीता मैं वो कर छे। ਜਲੀਲ ਯਾਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਚ ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ दुनिया के सारे चेहरे छड के जदों बंदा अल्लाह वल्ले टुर पवे ते अल्लाह बंदे दा आप हो जांदा है पुत्रा पुछे साहब दुनिया के झगड़े छड के ते तुहाडे लड़ लग गए ते फिर तैनू सत्ते खैरा ने पर एक गल दा याद एक गल दा ख्याल याद रखियो पुत्रा जिंदगी विच आप दी अख च हया रखे ते हया बंदे दा गहना है ते अल्लाह दिल दियां पार करेगा जो कहेगा हो जाएगा अल्लाहू खैर ना आया पुत्र ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਰਾਇਤ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਖਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਰਾਇਤ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਪੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਆਲਾਹੂ ਆਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚਮਕਾ ਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਮੱਥਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੌਣ ਹੈ ਮੱਥਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਪੈਂਤਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਚਲਾਤੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਬਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਆ ਗਏ ਚਾ ਚਾ ਚਲਾ ਜਾ ਚਾ 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 ਚਲ ਜਾ ਚਾ ਚਲ ਜਾ ਚਾ ਅੱਲਾਹੂ 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 बेटी भी नजर आ रही
शबाज उरे आ गल सुन। जी साहब जी। उधर की तकी जा रहे हैं? आ बैठ मेरे कोल। उधर की तक रहे तू? साहब जी वो जिस कुड़ी ना मैं प्यार करना वा ना वो सामने खड़ी। ओए मूर्खा, ओए ते साडे पीर साहब दी बेटी है ते आइंदा तो तू इहदे वल आपदी गंदी निगाह नाल नहीं वेखना। ठीक है, मैनू तेरे असल चेहरे दा हुण पता चलिया कि तैनू सेठ कालीए ने करो चित्र मार के क्यों कढ़िया सी। ते इक गल मेरी याद रखी, तू भी खाना शाना खा ते इत्थों दफा हो जा। ठीक है, निकल इत्थों। इत्थे बैठा की वेलिया मारे सिर तस्वीरें ही वेखेंगे। हूँ उधर पीर साहब की बेटी का निकाह हो गया। बस मैं आपकी जिंदगी तो हार चुके वा ते मैं होते